हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको ऐप स्टोर से या कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है अगर आपको अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बाय डिफॉल्ट बहुत ही गजब का ऑप्शन दे रखा है आईफोन ने, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया क्लियरिटी के साथ कर सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं, ये कंट्रोल सेंटर है और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है डे एंड नाइट मोड चेंज करने के बाद। तो यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है आपको बाय डिफॉल्ट फोन में दिया गया है, इसके लिए आपको अलग से कोई ऐप या सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है आईफोन में। तो करना क्या है, ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, इसके बाद सेटिंग्स के ऑप्शन में आप आएंगे, सेटिंग्स में अपनी आईफोन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं जनरल के नीचे कंट्रोल सेंटर्स का, आप कंट्रोल सेंटर्स पे क्लिक करेंगे और साथ ही में वो ऑप्शंस भी दिखेंगे जो और आप ऐड कर सकते हैं अपने कंट्रोल्स में। तो नीचे आप देखिए आपको ऑप्शन है सेकंड लास्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप देख लेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन के बगल में ग्रीन कलर का प्लस बटन है, आपको इस ग्रीन कलर के प्लस बटन पर टैप करना है। टैप करते ही जो आपकी स्क्रीन होगी देख सकते हैं लास्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो आपके इंक्लूड्स कंट्रोल है उसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आप यहां से इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब ये स्क्रीन देख सकते हैं आपको लास्ट में डे एंड नाइट मोड के बगल में एक ऑप्शन मिल गया है जो कि है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो ये ऑप्शन के लिए आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस ऑप्शन में भी एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का माइक ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए जो आपका लास्ट में ऑप्शन एक्टिव हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इसके ऊपर आप टैप करके होल्ड करेंगे। जैसे ही होल्ड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें नीचे देख सकते हैं माइक्रोफोन ऑफ है। अगर आप ऑफ रखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कुछ बोलना चाहते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करते ही ये रेड कलर से हो जाएगा और इसका मतलब ये होगा कि आपका जो माइक्रोफोन है ऑन हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप चाहे तो ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिखा है वहां भी टैप कर सकते हैं या फिर कहीं बाहर टैप करेंगे। टैप करते ही आपके पास जाली स्क्रीन आ जाएगी और ये देखिए लास्ट में आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, रेड कलर से टाइमर शुरू हो जाता है 3 सेकंड के बाद और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हैं एक टाइम चल रहा है जिससे पता चलता है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। टाइम का मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है और जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि माइक ऑफ ऑन आपने कर लिया है, अगर ऑन है तो आप जो बोल रहे हैं वो भी आएगा, अगर ऑफ है तो जो आप बोल रहे हैं उसका साउंड नहीं आएगा। बाद में आप जो भी म्यूजिक लाना चाहे डीअटैच करके लगा सकते हो। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अब मान लीजिए आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो आप ऊपर जो टाइम चल रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आप यहाँ स्टॉप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सेव होगी, ऊपर नोटिफिकेशन आएगा आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी जहाँ से वहाँ से आप ये देखिए पूरी स्क्रीन को देख सकते हैं। जो स्क्रीन पर यहाँ से वॉल्यूम को ओपन कर देते हैं, वॉल्यूम भी आप सुन सकते हैं। तो ये देखिए जो मैं आपसे बोल रहा था उसकी आवाज़ भी यहाँ आ रही है क्योंकि माइक ऑफ था, लेकिन अगर आप माइक ऑफ रखेंगे तो वो जो आवाज़ है वॉल्यूम है वो आप नहीं सुन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन था, आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आईफोन में, इसके लिए अलग से आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। और भी बहुत से इस तरह के ऑप्शंस हैं जो आईफोन में आपके पास अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की और जो फीचर्स हैं आईफोन से रिलेटेड वो धीरे धीरे मैं उस पर एक एक करके वीडियो बनाता रहूँगा। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें जिससे इस तरह की जो भी अपडेट्स आती रहे आईफोन से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।